सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रो गेम के बारे में। तो यार अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, दिस इज सैम वॉकर एंड यू आर वॉचिंग बिग बैन जी। तो यार जो ये आज का वीडियो होने वाला है ना, उसके अंदर अपन एक बहुत ही बड़े स्कैम या मिसमैनेज्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रो द गेम। देखो यार, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा एंड कई लोगों को इसके बारे में भलक भी नहीं होगी कि मतलब क्या है ये एक्चुअल में। तो इसीलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि रो गेम एक्चुअल में था क्या। तो देखो यार, ये बात है 2019 की, जब एक इंडिपेंडेंट डेवलपर जिसका नाम था किलर व्हेल गेम्स, उन्होंने एक ट्रेलर पोस्ट किया जिसकी वजह से जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो घबराहट में आ गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेलर पोस्ट किया था ना किलर व्हेल गेम्स ने रो गेम का, उसको देख के हर कोई शॉक्ड रह गया था। क्योंकि यार जो ये गेम था ना रो गेम, ये बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड MMORPG था, जिसके अंदर इतनी इम्पॉसिबल चीजें दिखाई गई ना कि लोग देखते ही शॉक्ड रह गए। मतलब यार इसके ट्रेलर के अंदर ऐसा दिखाया गया कि आप एक आइलैंड के ऊपर रहोगे एंड उस आइलैंड को आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब बिल्डिंग से लेके रोड से लेके हर एक चीज आपको खुद से बनानी पड़ेगी। बेसिकली ये इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो GTA ऑनलाइन की तरह ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवांस। मतलब कि आप इसके अंदर पॉलिटिक्स में भी जा सकते थे, आप ट्रक ड्राइवर भी बन सकते थे, आप एक तरीके से इंजीनियर भी बन सकते थे, एंड अगर आप गलत रास्ते जाना चाहते हो तो उस रास्ते में भी जा सकते। मतलब इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई गई ना कि लोग एक तरीके से शॉक्ड ही रह गए कि मतलब यार ये क्या हो गया। मतलब इस ट्रेलर को देख के ना, एक तरीके से जो गेमिंग कम्युनिटी है ना, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। क्योंकि यार कई लोग तो अप्रिसिएट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को एंड कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये गेम था ना, इसके जो ट्रेलर है ना, उसने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि यार जो चीज़ें ट्रेलर के अंदर दिखाई गई थी ना, वो एक तरीके से इम्पॉसिबल ही लग रही थी। इवन मैंने भी यार देखा ना जब इसका ट्रेलर, तो शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बाद में जब मैंने थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से रिसर्च किया ना, तब मुझे पता लगा कि यार ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं आज के टाइम में। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशन थी ना, उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता था उस टाइम के अंदर। क्योंकि यार अगर ऐसा पॉसिबल होता ना, तो इतने बड़े बड़े डेवलपर्स है लाइक EA है, रॉकस्टार गेम्स है एंड बहुत सारे और भी मेजर डेवलपर्स है लाइक यूबीसॉफ्ट वगैरह, ये हैं, वो बना देते अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो। स्पेशली GTA के अंदर अपने को ऐसा कुछ देखने को मिल जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि जो इस गेम के डेवलपर थे ना किलर व्हेल, वो एक्जिस्ट ही नहीं करते थे इस गेम से पहले, तो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था एंड फिर भी वो ऐसा गेम बनाने की बात कर रहे थे जो कि करंट टेक्नोलॉजी में पॉसिबल ही नहीं था। खैर ये जो भी मैंने बताया वो इसके बारे में बेसिक नॉलेज है कि ये गेम क्या था, किस डेवलपर के द्वारा आ रहा था एंड ये क्या क्या क्लेम कर रहा था। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में हुआ क्या। देखो यार जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ये किलर व्हेल गेम्स थे ना, वो एक इंडिपेंडेंट डेवलपर्स थे जिनके पास इतना बजट नहीं था कि वो ऐसा एक मैसिव गेम बना सके जिसके अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो। तो उन्होंने फंडिंग के लिए किकस्टार्टर जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे एक कैंपेन चलाया जिसका उन्होंने टारगेट रखा $82,731। बट यार इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने एक महीने के अंदर ही $2,29,000 का फंड रेज कर लिया, जो कि एक तरीके से डबल तिबल ही था जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना उसका। मतलब उनको तो $82,000 चाहिए थे, लेकिन फंडिंग के अंदर उनको जो उनकी वैल्यू थी ना, उसका भी डबल तिबल मिल गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बट एक्चुअल में हुआ ऐसा कि जिस दिन ये कैंपेन खत्म होने वाला था ना, उसके एक दिन पहले ही जो किक स्टार्टर है ना, उन्होंने इस कैंपेन को एक तरीके से शट डाउन कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से किक स्टार्टर ने ऐसा कदम उठाया, तो चलो अब अपन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार एक किक स्टार्टर के रिप्रेजेंटेटिव ने जो PC गेम्स एंड वेबसाइट है ना, उसको एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि जो किलर व्हेल का प्रोजेक्ट था ना रो, उसने हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। क्योंकि जो किक स्टार्टर है ना, उनको ऐसा लग रहा था कि जो ये प्रोजेक्ट है ना, वो ऑनेस्ट एंड क्लियरली रिप्रेजेंटेड नहीं है। क्योंकि यार जो ये गेम था ना, वो बहुत ही बड़ा गेम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम था एंड इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $82,000 बहुत ही ज़्यादा कम थे। इसी के साथ साथ जो रो गेम के डेवलपर्स थे, उन्होंने ये भी बोला कि हाँ 82,000 बहुत ज़्यादा कम है, हम भी ये मानते हैं, लेकिन हमारे पास फंडिंग के और रिसोर्सेज भी है। बट ये थोड़ा स्कैम टाइप का लगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं की थी या उससे रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं की थी, उन्होंने सीधा ही एक ट्रेलर लॉन्च किया था।
तो इस वजह से किकस्टार्टर को ऐसा लगा कि ये शायद स्कैम कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट है। एंड इसीलिए चीजों को क्लियर ना करने की वजह से जो किकस्टार्टर के ऊपर उनका जो कैंपेन था ना फंड रेजिंग के लिए, उसको शट डाउन कर दिया गया। क्योंकि यार जो ये गेम का आइडिया था ना, वो उनको थोड़ा काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल लग रहा था। इवन श्राउड ने भी इसके बारे में बात की थी कि यार अगर ऐसा ही कुछ होता तो बहुत बड़े बड़े डेवलपर से लाइक यूबीसॉफ्ट वगैरह ये वो बना देते अगर ऐसा कुछ ही पॉसिबल होता तो। ये तो बहुत ही नया स्टूडियो है एंड ये अभी कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ। इसी के साथ साथ जो यार इस गेम का ट्रेलर दिखाया गया है ना, उसके अंदर बहुत सारे यूनिटी के एसेट्स भी है, मतलब एनिमेशन वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो यूनिटी के जो एसेट्स है ना उनसे बनाई गई थी। तो यहाँ पे भी थोड़ा ट्रस्ट का इशू हो गया था, इसलिए उनको मजबूरन इस प्रोजेक्ट को शट डाउन करना पड़ा। एंड ये गेम एक तरीके से सपना ही बन के रह गया लोगों के लिए। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी अपने को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यार रॉकस्टार जैसे, ईए जैसे एंड यूबीसॉफ्ट जैसे जो मेजर डेवलपर्स है ना, वो एक दिन ऐसा पॉसिबल करके दिखा देंगे, एंड वो भी अनरियल इंजन की मदद से या जो रॉकस्टार का खुद का इंजन है उसकी मदद से। लेकिन ये पॉसिबल जरूर होगा आने वाले कुछ 5-10 साल के अंदर। शायद अपने को GTA 6 में भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कहीं रॉकस्टार गेम्स ने तो उनका मुंह बंद नहीं कर दिया किलर व्हेल गेम्स का, कि भाई तुम ऐसा गेम बना दोगे तो हमारा क्या चलेगा, हमारा GTA ऑनलाइन कैसे चलेगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर ये गेम रिलीज हो जाता ना तो भाई अच्छे अच्छे डेवलपर्स की वाट लग जाती, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एडवांस गेम होता एंड एक ऐसा गेम होता जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन ले आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेम शट डाउन हो गया। खैर देखो यार अभी तक किसी को पता नहीं कि ये एक स्कैम था या मिसमैनेज्ड प्रोजेक्ट। मुझे तो थोड़ा स्कैम टाइप का ही लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि ये गेम एक स्कैम था या एक मिसमैनेज्ड प्रोजेक्ट? वेल देखो यार अभी तक किसी को नहीं पता क्या कुछ हुआ था, लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर है मैंने वही बताया है, क्योंकि देखो मेरे को खुद से कुछ भी नहीं पता। एंड ऐसी जो चीज़ें होती है ना वो रिसर्च से ही पता चलती है। खैर मैंने तो रिसर्च की तो सब जगह यही बता रखा है कि ये एक तरीके से स्कैम ही था, क्योंकि यार इस गेम के जो डेवलपर्स थे ना वो शुरू से ही थोड़े डिसऑनेस्ट टाइप के थे इस गेम के प्रोजेक्ट को लेके, तो अपन इसको एक तरीके से स्कैम में ही इंक्लूड करेंगे। खैर बाकी अपने को नहीं पता सच क्या था क्या नहीं था, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी अगर ये गेम कभी फ्यूचर में आ जाता है ना तो आपको भी पता है कि मैं चैनल के ऊपर कवर कर लूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।